लालकुआ में भारतीय जनता पार्टी समेत कई संगठनों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक गोष्ठी का आयोजन भी किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें याद किया। यहां लालकुआ वार्ड नंबर 1 स्थित अम्बेडकर पार्क में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजादी के बाद देश को एक सूत्र में पिरोकर एक नई ताकत के रूप में उभरने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ऐसे संविधान का निर्माण किया जो विश्व के लिए मिसाल बन गया। बाबा साहब केवल दलितों के नेता नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के नेता थे। देश की सेवा के लिए भारत बाबा साहब का हमेशा आभारी रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के 6 मुख्य कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम बाबा साहब की पुण्यतिथि है, जिस पर सभी भाजपा कार्यकर्ता बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एक ऐसा संगठन है जो बाबा साहब के आदर्श पर चल रहा है। इस दौरान सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के दोनों कार्यक्रम, जयंती का कार्यक्रम भी और निर्माण दिवस का कार्यक्रम भी अपने 6 कार्यक्रमों मनाती है। बाबा साहब का या हमारी भाजपा के जो अन्य महापुरुष हैं उनका भी भाजपा और भाजपा कार्यकर्ता के लिए एक ही संदेश है कि हम समाज के गरीब तबके, आखिरी आदमी, दबे कुचले आदमी को अपग्रेड करें, उसके पास जाएं, उसको समाज में बराबरी का स्थान दिलाने का प्रयास करें, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और पारिवारिक स्तर पर। निश्चित रूप से आज का संदेश भी यही है कि आज हमारी सरकार के और अटल जी की सरकार के जो पिछली टाइम में थी, गरीबों के लिए जो कार्यक्रम है उनको हम घर घर जाके एक बार पुनः चेक कर लें कि गरीब को उसका लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आज सभी कार्यकर्ताओं को मेरा आपके माध्यम से भी संदेश है कि जिसका जो हक है, जिसका जो अधिकार है, जिसके लिए सरकार ने कार्यक्रम किया, उसको मिलना चाहिए। ये जिम्मेदारी हम सब लोग, हम सब इसको निभाएंगे, यही संदेश है।